चलिए बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखने का बने टू वार्न सेव फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी लाइन में समझिएगा कि समुद्र अंदर, जैसे मान लो ये समुद्र का पानी हो गया, जो बड़े बड़े ओशन होते ना, तो इनमें ये क्या हो गया, कोई ना कोई वाटर ऑफ कर देते रहते, तो वहां पर कोई शिप वगैरह होते हैं, जैसे बड़े बड़े शिप देखे होंगे अपने, जैसे मान लो अपन क्या बन दिया, शिप बना दिया। अब इस शिप को पानी के अंदर मान लो बड़ी बड़ी चट्टाने हो या कोई रॉक्स वगैरह हो, इससे बचाने के लिए क्या होते हैं, बड़े बड़े लाइट हाउस बने होते हैं। क्या बने होते हैं, बड़े बड़े लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के अंदर क्या होती है, जो लाइट होती है, तो इस लाइट से क्या होता है, इनको जहां पे डार्क एरिया रहता है तो वहां पे पानी के अंदर की चट्टानों के बारे में पता लग जाता है कि हाँ इस तरफ चट्टान है, तो जहाज और उससे टकराए नहीं और अपनी सेफ्टी की तरफ से वो बच जाए। तो बोला है उसने टू वॉर्न सेफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स, तो पानी की चट्टानों से बचाने के लिए क्या बना हुआ है, अ लाइट हाउस। क्या बना हुआ है, लाइट हाउस बना हुआ है। क्या बना दिया है, लाइट हाउस, लाइट हाउस। ओके, ये आपका क्या हो गया, सेफ हो गया। ठीक, तो बोला है स्प्रेड और रेड कलर, तो इससे कौन सी रोशनी निकल रही है, लाल कलर की रोशनी निकल रही है। आगे बोला है लाइट आवर सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अभी लाइट जो एंगल बना रही है, ये पानी में जो एंगल बना रही है वो कितना डिग्री बना रही है, यहाँ पर 80 डिग्री बना रही है। यानी अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जैसे मान लो पानी हो गया, तो पानी के अंदर इस रोशनी ने, इस लाइट ने ये क्या बनाया, आपका एरिया ऑफ सेक्टर बनाया। इस लाइट ने क्या बनाया, आपका एरिया ऑफ सेक्टर बनाया। ठीक है, अब इस एरिया ऑफ सेक्टर में जो आपका एंगल बन रहा है वो देखिएगा, एंगल कितना बन रहा है, यहां पर दे रखा उसने एंगल कितना डिग्री है आपका 80 डिग्री। तो यहां पर लिखा मैंने एंगल कितना डिग्री बन रहा है आपका 80 डिग्री। ओके, ठीक। आगे बोला है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस है, यानी इसकी रोशनी की जो डिस्टेंस है, अगर मान लो रोशनी यहाँ टावर है और, तो डिस्टेंस कितना फ्लो कर रहा है, 16.5 किलोमीटर, यानी इसके जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसकी रेडियस दूरी कितना है, 16.5 किलोमीटर। ठीक, तो मैंने लिखा एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस ऑफ द सेक्टर आर इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। किलोमीटर में इतना ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी अवर विच द शिप्स आर वर्ड, तो वो एरिया फाइंड करो उस एरिया को, जितना एरिया कौन वार्न करता हो, ये लाइट हाउस के द्वारा शिप के एरिया को वार्न करता हो। मैंने आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए। ठीक, सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, वापस हुई लिख देते पहले, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं आगे, तो बोला है आपसे फाइंड एरिया, वो एरिया जो उन्होंने वार्न करने पर शिफ्ट ने कवर करा हो। ठीक है, तो लिखते हैं द एरिया ऑफ द शिप्स आर वार्न, तो कितने एरिया को ये वार्न कर रहा है, यानी अपने को फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ द फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, और एरिया ऑफ द सेक्टर फॉलो पता अपने को क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना है, तो थीटा है अपने पास 80 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई। अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितना दे रखी है, 3.15 3.14 और r की वैल्यू है 16.5 स्क्वायर। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 10 से 10, 24 जा 8, 21 जा 2, 28 जा 16, अगेन 22 जा 4 और 29 जा 18। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 2/9, क्या हमने 2/9 मल्टीप्लाई 3.14
16.5 का स्क्वायर, तो 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 और कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हो, 3 3 9, 3 5 15, 1 बचा, इस 5 के पास है 15 हो गया, ये डेसिमल का नहीं डेसिमल, 3 5 15, अगेन 3 1 3, 3 5 15 और 3 5 15, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या करना है, क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई में 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 6.38, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर जाएगा 30.5। अब यहाँ पर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, और आपका आंसर आ जाएगा गाय में किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो अब फाइनल आंसर जो है वो जरूर देखना मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका प्रथम मल्टीप्लाई करना काम करता है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करा। अब इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो दोनों क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी 12.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो आप घर पर 12.2 एक्सरसाइज जो है जिसे अगले वीडियो में खत्म हो जाती है, तो आप घर पूरा अच्छे से इसको आराम से करिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।